मटन लिया हमने 1 kg मटन डालेंगे। इसके अंदर जो है 1200 ग्राम पानी डालेंगे और इसको बॉइलिंग पे रख देंगे। अगर आपके पास घर में प्रेशर कुकर है तो आप उसमें भी जो है ना मटन को बॉइल कर सकते हैं। जैसे पानी का जोश आएगा, गर्म हो जाएगा, तो इसको हम अलमुनियम फॉइल से कवर कर देंगे या ढक्कन से कवर करके मटन को टेंडर कर लेंगे। मटन जो है हमारा, पानी जो है हमारा गर्म हो गया और मटन जो है हमारा वो गर्म हो रहा है, तभी इसको दम पे लगा देंगे, इसको अच्छे से गला लेंगे। पानी जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे। 1.5 लीटर पानी के अंदर हम 2 kg जो है वो टमाटो डालेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसकी जो स्किन है जो वो उसको रिमूव करते रहेंगे और बिल्कुल एक ग्रेवी की शेप में डालेंगे। टमाटर जो है वो हमारे बॉयल होना शुरू हो गए, इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो स्किन है वो हम निकालते जाएंगे। तो आपने सबकी एक एक करके स्किन निकाल लेनी है और इसको कम से कम जो है कम से कम आपने 30 मिनट तक पकाना है, जब तक ये बिल्कुल एक प्यूरी ना बन जाए और पानी इसका जो है वो सारा खुश्क ना हो जाए। आपने इसी टेम्परेचर पे, इसी हीट पे आपने इसको पकाना है। जी मटन हमारे को भी जो है रेडी हो चुका है और तकरीबन ये 50 मिनट हो गए हैं इसको, और मटन जो है हमारा बिल्कुल गल चुका है। अभी हम इसको जो है वो स्ट्रेन कर देंगे और मटन को निकाल देंगे एक साइड पे और पानी को एक साइड पे। टमाटर हमारे जो है सारे पक चुके हैं और पानी हमने सारा खुशक कर लिया है। अब इसकी जो शेप है वो टमाटर की ये होनी चाहिए, ये देखिए बिल्कुल एक प्यूरी की टाइप जो है हमने पका लिया। इसको पकाने का मकसद बेसिकली ये कि ये खटास जो है इसमें नहीं आती। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ओलिव ऑयल है, ओलिव तक 200 ग्राम हमने डाल दिया इसके अंदर। इस ग्राम जिंजर गार्लिक का पेस्ट है ये डालेंगे। गार्लिक पेस्ट को थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा ब्राउन हो चुका है, अब ग्रेवी डालेंगे। ये हमने ग्रेवी बनाई थी डाल देंगे इसको पकाएंगे। इसे
हमारी जो है वो ऑलरेडी पकना शुरू हो गई है, ऑयल छोड़ना शुरू हो गई है। इसको हमने कम से कम 4 से 5 मिनट पकाया है। अब इसमें मटन डाल देंगे, जो हमने मटन बॉईल किया है 1 kg वो डालेंगे। और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, पका लेंगे। आग थोड़ी सी तेज़ करेंगे यहाँ कढ़ाई में। चीज पे जो है हमने इसको पकाते रहने। रेड चिली पाउडर है 15 ग्राम। मटन की यखनी जो हमने इसमें से रखी हुई थी वो डालेंगे। ऑलिव ऑयल है ये डालेंगे। सॉल्ट हमने तकरीबन 3 ग्राम लिया वो डालेंगे। देखिए मटन को इसी तरीके से हमने भूनते रहना है, भूनते रहना है। कढ़ाई मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। बस एक बार इसको थोड़ा चिकन पूरे इसमें मटन का स्टॉक डालेंगे और ऑलिव ऑयल लगाएंगे। मटन की यखनी है और ऑलिव ऑयल लगाएंगे। अभी इसको मज़ीद और पकाएंगे तेज़ आग पे। आपने इतना पकाने हैं इसको कि जो मटन की जो मटन है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए और टमाटर की जो खटास है वो ख़त्म हो जाए। तो 100 ग्राम हमने ग्रीन चिली ली है, 50 ग्राम चॉप करके डालनी है इसके अंदर। पचास ग्राम हमने स्लाइस किया है वो डालेंगे थोड़े से। जीरा क्रश है 5 ग्राम डालेंगे। चिकन पाउडर लिया 10 ग्राम। ब्लैक पेपर क्रश है
सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे। जिंजर डालेंगे थोड़ा सा, धनिया रखा हुआ वो डालेंगे, और कढ़ाई जो है हमारी रेडी है। ये देखें माशाल्लाह कैसे मज़े की कढ़ाई बन गई।